गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ॐ मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। ओम स्वात्मविज्ञान संतृप्तं भक्तिगंगेशमानसं श्रीगुरुं परमं वंदे भक्त्या स्वामी तपोवनम्। श्री सौम्य काशिश स्तोत्रम के द्वितीय स्तबक के प्रथम 12 श्लोक शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद पर आधारित हैं, और उसमें हमने देखा कि इस परम ज्ञान के संबंधी ये सारे विषय किस प्रकार हमें इस काशी विश्वनाथ शंभु से भक्ति पूर्वक जोड़ते हैं। अब आगे के जो मंत्र हैं वे केनोपनिषद पर आधारित हैं। ये केनोपनिषद भी एक महत्वपूर्ण मुख्य उपनिषद है जिस पर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने एक नहीं पर दो दो भाष्य लिखे हैं। यह उपनिषद सामवेद के अंतर्गत आता है। सामवेद में एक शाखा है, तलवकार शाखा, उसमें यह उपनिषद देखने को मिलता है। ईशावास्य उपनिषद की ही तरह केनोपनिषद में भी किसी विशेष गुरु शिष्य के नाम नहीं दिए गए हैं। जहाँ ईशावास्य उपनिषद में किसी प्रकार का प्रश्न भी नहीं बताया गया पर केवल गुरु द्वारा उपदेश ही दिया गया, केनोपनिषद में जो शुरुआत है वो शिष्य के प्रश्न से होती है और फिर गुरु का उपदेश प्रारंभ होता है। पहले अध्याय के अंत में, केनोपनिषद में कुल 4 अध्याय हैं, पहले अध्याय के अंत में वो गुरु को जो भी ज्ञान देना होता है दे चुके होते हैं। दूसरे अध्याय की शुरुआत में वो पूछते हैं शिष्य से, समझ में आया? शिष्य ने कहा हाँ समझ में आ गया, तो गुरु ने कहा जाओ और विचार करो। क्यों? क्योंकि तो नहीं समझ में आया। तो फिर वो शिष्य थोड़ा सोचता है और फिर हाँ, फिर कुछ बोलता है। वो ज्ञान देने के बाद, बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें बताने के बाद, गुरु एक कहानी भी बताते हैं इसमें तीसरे अध्याय में।
फिर चौथे अध्याय में कुछ उपासनाएं भी बताते हैं अपने आप को तैयार करने के लिए इस ज्ञान के लिए। तो बड़ा रोचक सुंदर उपनिषद है और छोटा सा है, ईशावास्य भी जैसे छोटा सा है वैसे केनोपनिषद भी छोटा सा उपनिषद है। उपनिषद के मंत्र की संख्या के अनुसार छोटा है, ज्ञान तो वही बड़ा ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो अब प्रारंभ करते हैं, केनो उपनिषद में प्रवेश करते हैं, 13वें श्लोक को पढ़ते हैं। चक्षुश्रोत्रादीन्द्रियाणि तत्तत्कार्यकराणि वै यद्देवानुगृहीतानि तस्मै श्री शंभवे नमः। अब ये जो श्लोक है वो केनोपनिषद के प्रथम मंत्र जो प्रश्न के रूप में है शिष्य के, उस पर आधारित है। तो वहाँ उपनिषद में कहा कि ये सारी इंद्रियाँ और मन जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर पा रही हैं, वो किसकी प्रेरणा से कर रही हैं, वो क्या है जिसकी वजह से ये सब अपना कार्य कर पा रहे हैं। तो यहाँ भी इसी विचार को प्रस्तुत किया गया है। चक्षुः श्रोत्र आदि इंद्रियाणि, चक्षुः आँखें, श्रोत्र कान। अब ये आँखें कान जब कहते हैं, इंद्रिय जब कहते हैं, तो ये शरीर का अंग नहीं है। हाँ, आँखें जो दिख रही हैं वो जो चर्म चक्षु है वो केवल एक सॉकेट है। उसे संस्कृत भाषा में, वेदांत की भाषा में गोलक कहते हैं, स्थान है, पर वहाँ जो देखने की शक्ति है उसे इंद्रिय कहते हैं और वो सूक्ष्म है, वो स्थूल शरीर का अंग नहीं है। तो जब आँखें कहते हैं हमें समझना है इंद्रिय यानी देखने की शक्ति, कान कहते हैं तो सुनने की शक्ति, नाक कहते हैं तो सूंघने की शक्ति, त्वचा कहते हैं तो स्पर्श की शक्ति, क्षमता, जो सूक्ष्म है, इंद्रिय है। तो ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियाणि, अब चक्षु श्रोत्र आदि, आदि कह दिया यानी बाकी सारे भी समझ जाने चाहिए, सारे इन सारी इंद्रियां तत् तत् कार्यकराणि च, वही अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जो उनका क्षेत्र है उस क्षेत्र में वो अपना अपना काम कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का इनडिसिप्लिन नहीं है। हाँ, कभी ऐसा नहीं आज आँखों को लगा आज मुझे देखना नहीं, आज मैं सुनने वाला हूँ। हाँ, आज नाक को लगा मैं देखूँगा। हाँ, ऐसा कोई, वो अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना कार्य कर रहे हैं और केवल इंद्रियां ही नहीं हमारा मन भी। उसको कोई भी खिड़की खुली मिली, इंद्रियों की जो 5 खिड़कियां हैं, 5 नहीं 7 हैं चेहरे पे, कोई भी एक खिड़की भी मिली थर से भाग गया बाहर। और एक दो इंद्रियां तो चलो उसको दरवाज़ा वो खिड़कियां बंद भी कर सकते हैं, और कुछ कुछ इंद्रियां हैं वो दरवाज़ा बंद भी नहीं होता। हम नाक कैसे बंद करेंगे? हाँ, संभव नहीं। कान जितना भी कुछ भी ठूस दो अंदर सुनाई तो देने वाला है। हाँ, तो ये 2 में खिड़की बंद भी नहीं होती, बाकी सब में चलो भगवान ने कुछ शटर वटर दे रखा है, और त्वचा को चलो आप कुछ छुओ नहीं तो संभव है, पर बाकी और कुछ भी थोड़ी सी ओपनिंग मिल गई वो भाग जाता है बाहर। पर वो मन बाहर भागता है, वो उसमें चेतना कहाँ से आई कि वो बाहर भाग सके? वो विषयों का संपर्क करता है, वो कैसे संपर्क कर सकता है? तो जैसे ही हम कुछ आवाज दूर से भी आ रही हो तुरंत कैसे सुनाई देता है? कोई खुशबू, आज किसकी सब्जी है, पहुंच जाती है खुशबू, कहां से, कैसे, क्या हुआ, किस प्रकार ये सारी इंद्रियां, और जब इंद्रियां तो साथ में मन समझते हैं हम, क्यों? क्योंकि मन यदि उसके पीछे ना हो तो इंद्रिय के होने से भी कोई अनुभव नहीं हो पाता।
जैसे कभी कभी क्लास में इंद्रियां तो हैं, ये बोला था आपने, हमने तो नहीं सुना, पर इसका मतलब ये नहीं कि कान के पर्दे पर नहीं पहुंचे ध्वनि की तरंगे, पहुंची थी, पर पीछे मन जो रहना चाहिए वो थोड़ा एक वर्ल्ड टूर पे जाके आया बीच बीच में, तो इसीलिए उस समय पे छूट गया। फिर बोला क्या बोला तो चला गया। ऐसे कई बार खाते रहते खाने, फिर आज खाना ठीक था तुमको, ये सब्जी कैसी थी, वो ठीक थी, कौन सी सब्जी, आज भिंडी की सब्जी खाई थी आपने, आज भिंडी थी, आज तो सब्जी ही नहीं बनी थी मुझे लगा, मैं तो खा लिया सब, पर पता ही नहीं चला क्या खाया, क्यों, पीछे मन नहीं था। और यदि मन होता है तो जागरूकता होती है, वो अलर्टनेस होता है, और फिर वो एक्सपीरियंस हो जाता है हमको। तो ये सारी इंद्रियां, उसके साथ मन, अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं, तत्तत् कार्यकराणि, अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना कार्य कर रहे हैं। कैसे, किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि जैसे मृत देह होता है उसमें भी ये गोलक तो हैं, आंखें, कान, ये सारी चीजें, पूरे शरीर में चमड़ी तो है अभी भी, पर अनुभूति कुछ नहीं हो रही, तो कुछ ना कुछ तो है जो इसको चला रहे हैं। दूसरी बात कि यदि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, वो जो गुरुदेव का बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, यदि हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में हम जाके देखें कि सारे कर्मचारी अपने अपने टेबल पे अपना अपना कार्य करते हुए नजर आते हैं, तो पता चल जाता है कि अंदर बॉस है। वो अंदर वो बॉस दिख नहीं रहा है, वो तो अंदर केबिन में बैठा हुआ है अपने, पर पता है कि वो अंदर बैठा हुआ है। कैसे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और कभी ऐसे ही झांक के देखते हैं, कोई किसी के टेबल पे जा के बैठ के बातें कर रहा है, चाय पी रहे हैं, ऐसे ही गपशप लगा रहे हैं, तो पता है अच्छा साहब नहीं आए अभी तक, या कहीं बाहर गए हैं, क्यों, ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो रहा है। इसी प्रकार आप देखो, ये सारी इंद्रियां कभी भी अपने काम के से और दूसरे किसी के कार्य क्षेत्र में उसने प्रवेश नहीं किया। कभी ये नहीं किया कि चलो आज मेरा मूड नहीं है, मैं कुछ और करता हूँ, सब अपना अपना करें। और ये चीज केवल हम में नहीं, केवल मनुष्यों में नहीं, सारे प्राणियों में यही होता है। सारे प्राणी आंखों से ही देखते हैं, कान से ही सुनते हैं। और जिस किसी का, जैसे सांप होता है तो हम तो सांप के हमने बीन बजाते हैं और हमको लगता है कि सुरीला बजना चाहिए क्योंकि सांप उसके लिए डोल रहा है, उसके कान ही नहीं है, और हमको लगता है कि वो बीन बजा रहे हैं, तो वो ऐसे भी उसके बीन बजाने पे तो हम डोलते हैं। सांप तो बीन के हिलने पे हिलता है, वो नाच नहीं रहा है संगीत पे, क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा है, वो इंद्रिय उसके पास नहीं है, छेद है पर इंद्रिय नहीं है वहां पर। तो यदि वो इंद्रिय नहीं है, वो अपना काम नहीं कर रहा, पर वो सांप देख देख के जहां जहां वो बीन जा रहे उस वहां वहां वो नाचता हुआ नजर आता है, तो ऐसा लगता है कि वो संगीत सुन के नाच रहा है, पर असल में ऐसा नहीं है। इसी प्रकार स्पर्श, तो जैसे ही कुछ हमने गर्म छुआ तुरंत हाथ निकाल लेते, बहुत गर्म है, क्या हुआ, कैसे पता चला, जब बिल्कुल गहरी नींद सो रहे होते हैं, पास में कोई लेटा हो लात भी मारे हमको, कुछ पता नहीं चलता, क्यों, वो मन भी सो रहा है, इंद्रिय भी सो रहा है, चमड़ी तो है पर समझ में नहीं आता, इतनी गहरी नींद में है, अलार्म बजे जा रहा है, मोहल्ला उठ गया मेरा, मैं नहीं उठा, क्यों, इंद्रिय सो गया, कान तो है पर सो गया, पर वही कान ही सुनेंगे, आंखें ही देखेंगे, नाक ही सूंघेगा, क्यों, क्यों चखने के लिए जीभ पे ही कुछ रखना पड़ता है, उंगली पे, ये मीठा है, ये खट्टा है,
ऐसा क्यों नहीं होता? तो क्योंकि वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में वो इंद्रिय अपने अपने जगह पर बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं। सारे जो ऑफिसर्स हैं अपने अपने डेस्क पे बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं, ये अनुशासन को देख के, ये व्यवस्था को देख के हमें पता चलता है कोई तो बॉस है जिसकी नज़र रखे हुए है, जो इन सब को चला रहा है, नहीं तो इतना डिसिप्लिन कैसे हो सकता है। तो देखिए प्रश्न के अंदर ही इतनी गहराई है, कह रहे इतना यदि अच्छे से चल रहा है काम अपने अपने तत्त्व कार्य कराणी भाई, तो वो कुछ तो होगा, तो क्या है? यद देव अनुग्रहीतानी, और ये सारी इंद्रियां अपने अपने क्षेत्र में कैसे काम कर रही हैं, वो किसी न किसी देव के अनुग्रह से हो रहा है। देव शब्द का अर्थ क्या है? देव शब्द का अर्थ है चैतन्य, प्रकाश, चैतन्य। देव यानी कोई देवता आसमान में ऊपर बादलों के ऊपर रहता है, इस प्रकार से देव यानी जो प्रकाशमान है, चैतन्य स्वरूप है, वो कोई चैतन्य ही हो सकता है जो इन सबको चला रहा है। हम जब कोई रिमोट कंट्रोल कार या रोबो या कुछ होता है, वो देखते हैं वो रोबो है वहाँ से ऐसे चल के इधर आ रहा है, लोग कैसे चल रहा है? क्योंकि वो असेंबली बनी है, वो सब जड़ वस्तुओं से बनी है, पर वो वहाँ से यहाँ तक चल के कैसे आया? गाड़ी चल एक जगह दूसरे कैसे चल रही है? क्या है जो चला रहा है? उसका कोई ईंधन होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए, उसमें कोई बैटरी है या कुछ चार्ज किया है, या गाड़ी बड़ी गाड़ी हो तो उसमें पेट्रोल डाला है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जो इसको चला रहा है, नहीं तो ये तो केवल जड़ वस्तुओं से बना हुआ पूरा जो संघात है। और कोई भी असेंबली होती है, असेंबली जो कई चीज़ें इकट्ठा करके हम एक चीज़ बनाते हैं, सारी मशीनरी ऐसी बनती है, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स को लेके एक मशीनरी बना देते हैं, वो मशीन जो बनता है वो किसके लिए होता है, कौन बनाता है, क्या वो मशीनरी जो है, अभी देखिए ये असेंबली है, संघात यानी सब अलग अलग अंग को जोड़ के कुछ बना दिया, अभी अंगों को जोड़ के बनी हुई चीज उसको बनाने वाला उससे भिन्न होना चाहिए। या गाड़ी है, वो गाड़ी का पूरा असेंबली लाइन होता है और सब कुछ लगा के गाड़ी तैयार हो जाती है, तो क्या वो गाड़ी अपने आप को असेंबल कर लेती है? उसको बनाने वाला कोई होना चाहिए। बोले नहीं नहीं आजकल AI का जमाना है, वो अपने आप कर लेते हैं, पर वो AI किसने बनाया? पूज्य गुरुजी ने बहुत सुंदर बात बताई, जो ये केनोपनिषद का ही विषय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम इतने प्रभावित होते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कारण है ह्यूमन इंटेलिजेंस, पर ह्यूमन इंटेलिजेंस का कारण है डिवाइन इंटेलिजेंस, वही है देव। वो कोई देव, कोई चैतन्य, इससे भिन्न, ये जड़ वस्तुओं से भिन्न कोई होना चाहिए जिसने ये असेंबली बनाई भी है और जिसके लिए ये असेंबली बनाई गई है। असेंबलेज इज ऑलवेज मेंट फॉर समथिंग अदर देन द असेंबली। एनीथिंग कोई एक पार्ट के लिए नहीं हो सकता। गाड़ी, मैंने गाड़ी बनाई किसके लिए? टायर के लिए। टायर के लिए गाड़ी बनाई, सीट के लिए गाड़ी बनाई, उसके दरवाजे के लिए गाड़ी बनाई, वो किसके लिए होता है? वो हमारे उपयोग के लिए होता है, जो गाड़ी और उसके पार्ट से अलग हैं, भिन्न है। इसी प्रकार ये सारी असेंबली जो है हमारे पास, वो सारी इंद्रियों को इधर उधर फिट किया, ये जो फिजिकल हमारा शरीर है हार्डवेयर की तरह है, और ये सारी इंद्रियां वगैरह है वो सॉफ्टवेयर है, जगह जगह पर फिट कर दिया उसको, पर वो फिट करने वाला, चलाने वाला और जिसके लिए ये चल रहा है, उसका उपयोग करने वाला, वो इन सब पार्ट्स से
हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर से सबसे भिन्न ही होना चाहिए। संस्कृत में इसको कहते हैं संघातस्य परार्थत्वात्। जो भी संघात है वो पर के लिए होता है, किसी अन्य चीज के लिए होता है और अपने आप के लिए नहीं होता, या अपने किसी अंश के लिए अंग के लिए नहीं होता। संघातस्य परार्थत्वात्, ये हेतु है उसका। तो हम जब ऐसे देखते हैं अपने इंद्रियों को, मन को काम करते हुए और बड़े डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई तो चैतन्य कारण होना चाहिए और कई चैतन्य संचालक होना चाहिए, चैतन्य कोई इसका उपयोग करने वाला होना चाहिए। नहीं तो जड़ वस्तुएं साथ में क्यों आएंगी और वो अपने अपने क्षेत्र में क्यों चलेंगे। हम जितनी भी मशीनें देखते हैं उन सब में इस चीज़ को हम ऑब्जर्व करेंगे तो बड़ा इस मंत्र को भी समझ पाएंगे। वो CD DVD प्लेयर्स आते थे, उससे पहले वो VCR वगैरह होता था, हाँ, तो उसके अंदर हमने वो कैसेट डाला या CD DVD में वो बटन दबाया, बाहर निकला, उसमें माउंट किया, उसको लगाया, फिर वो अंदर घूम रहा है और फिर कुछ दिखता है। अब ये उसके अंदर जो भी हो रहा है, पर उसका कोई चैतन्य है जो उसका भोगता है, उसका उपयोग करता है और उसका निर्माता भी है, तो कोई ना कोई, यह देव अनुग्रहितानी, ये किसी देव के अनुग्रह से ही हो सकता है, अपने आप तो नहीं होगा। तो ये जो चैतन्य तत्व है जिसकी वजह से ये सारी इंद्रियां अपने क्षेत्र में अनुशासन पूर्वक कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पर अनुशासन का अर्थ ये नहीं है कि वो अपने कंट्रोल में है, अनुशासन का अर्थ है अपने क्षेत्र में सीमित रहते हैं, उल्लंघन नहीं करते। उस प्रकार से जब हम केवल देखते भी हैं तो ये प्रश्न उठता है, कौन है ये चैतन्य जो इसको चला रहा है, कौन है जिसकी वजह से ये चल रहा है, जिसके लिए ये चल रहा है, जिसके कारण ये चल रहा है कौन? और वो चैतन्य ही होना चाहिए, जड़ नहीं हो सकता, कौन है? यहाँ कहते वही शंभु है। उपनिषद में प्रश्न पूछा, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथम प्रैति युक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुश्रोत्रं कौ देवो विमुक्ति। देव कोई होना चाहिए, कोई चैतन्य। इससे पता चलता है कि उपनिषद के शिष्य का स्तर क्या है, तो प्रश्न भी कितना उन्होंने भी अवलोकन किया है, कितना उन्होंने भी ध्यान से अपने जीवन की पड़ताल की है, विचार किया है, तो ऐसे पूज्य गुरु जी कहते हैं एवरी एक्सपीरियंस ऑफ आवर्स हैज टू बी अकाउंटेड फॉर, एंड अनअकाउंटेड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। यदि हम अपने जीवन की जांच पड़ताल किए बिना जैसे है वैसे जीते जा रहे हैं तो वो तो केवल एक हमारा अस्तित्व है, चलो कुछ जैसे टेबल है वैसे हम भी हैं। तो जीवन जीने का अर्थ तो वो है कि हम जांच करें, विचार करें, ये कैसे हो रहा है। और ये देखिए हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित है ये प्रश्न। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो वही ये सोच सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, पर मन शांत होना चाहिए, मन थोड़ा सा विचारशील हो, ऑब्जर्वेशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड जस्ट लाइक दैट। हाँ, ऑब्जर्वेशन हर एक चीज, जैसे हमारे जगत में भी कई बार ऐसे हमारे अनुभव ही होंगे, पिछले कुछ सालों में ही अनुभव कितने सारे हुए होंगे कि कोई
बड़ी कोई आपत्ति आने वाली हो, विपत्ति आने वाली हो, जैसे कि कोई अर्थक्वेक है, सुनामी है, फ्लड्स है, ये सब जगह पे, कहीं पर भी किसी भी जगह पर ये हुआ हो, सब जगह पे ये देखा गया है कि वहाँ के पशु पक्षी अन्य प्राणी जो हैं वो बेचैन हो जाते हैं, भाग जाते हैं, बचने का प्रयास करते हैं वो आने से पहले। क्यों? क्या वो कुछ भी, कितनी बड़ी सुनामी आने से पहले क्या वो कुछ संकेत नहीं मिलते होंगे? छोटा सा बुखार आता है तो उसके पहले वो थोड़ा दूत भेजता है अपना, थोड़ी कमजोरी लग रही है, गले में खराश लग रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बेचैनी हो रही है, ये सब क्या, वो उसके दूत हैं, पीछे राजा आएंगे, बुखार आ गया, मैं 103 अब रहूँगा मैं इधर 3 दिन के लिए, आप एंटीबायोटिक खाओ नहीं खाओ आपकी मर्जी, मैं तो रुकने वाला हूँ। फिर रुकेगा, उसके बाद चला जाएगा, पर वो संकेत देता है आने से पहले। कोई भी चीज़ हो, अब ये छोटी छोटी चीज़ें भी यदि संकेत देती हैं, बहुत सुंदर वर्णन है हमारे श्री सूक्त में, लक्ष्मी देवी का वर्णन है कि वो लक्ष्मी देवी आने से पहले हमें पता चल जाता है। कैसे? बोले कि दूर से हाथियों की आवाज़ें आती हैं, शंखनाद सुनाई देता है और से दिव्य ध्वनियाँ, ओ तो देवी आ रही हैं। अभी मॉडर्न भाषा में गाड़ियों का कारवां झूम 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 चलता रहता है, उसमें बत्ती जलती रहती है, टोनो नो 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 है, तो हाँ कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, पता है उनको, संकेत पहले से आ जाते हैं। तो संकेत तो हर एक चीज़ के आते हैं, पर क्या हम गौर कर रहे हैं? पशु पक्षी को तो पता चलता है, हम इतने सारे मॉडर्न इक्विपमेंट ढूंढ के भी कुछ पता नहीं चलता है, बिल्डिंग के नीचे दब के मर जाते हैं मनुष्य, और कहते हैं हम मनुष्य प्रगति की है हमने, साइंटिफिक हैं हम, पर असल में कनेक्ट ही छूट गया है हमारा। तो ये जो संकेत हैं, ये सामान्य अनुभवों पर यदि हम गौर करना सीख लें तो ऐसे प्रश्न हमारे मन में भी उठ सकते हैं कि कैसे चल रहा है। बट इफ़ वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, बोले हाँ ऐसा ही तो है, तो ऐसे प्रश्न मन में आते नहीं। तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट नथिंग इज टेकन फॉर ग्रांटेड, ऐसे नहीं हाँ ये तो ऐसा ही है, हाँ तो प्रश्न। उपनिषद गंगा के एक एपिसोड में कहा, प्रश्न करो प्रश्न करो, प्रश्न के गर्भ में ही उसका उत्तर छुपा हुआ है, प्रश्न करो। तो ऐसा अवलोकन शिष्य ऐसा देख के पूछ रहा है, और यहाँ तपोन जी महाराज कह रहे हैं वो जिस देव की वजह से हो रहा है, चाहे हम उसको नहीं जानते पर वो वही शंभू है, उसे पहचानना। और ये शिष्य को ये भी पता है कि वो चैतन्य स्वरूप होना चाहिए, वो कोई जड़ पदार्थ नहीं हो सकता। यदि कहे ये जगत किसने बनाया, तो मैंने बनाया, अरे मैं तो इसमें पैदा हुआ हूँ, मैं कैसे बना सकता हूँ? अच्छा मुझे किसने बनाया, जगत ने बनाया, जगत तो जड़ है, तो जीव तो चैतन्य चेतन है, तो चेतन जीव को जड़ जगत ने कैसे बनाया हो सकता है, वो भी नहीं लगता। तो ये जीव और जगत का कारण क्या है? तो कहते कोई चैतन्य होना चाहिए जो हमें चेतना भी प्रदान करता है और ये सबकी सृष्टि भी की हो सकती है, ऐसे अनुभवों पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ ये प्रश्न है कि इंद्रियां और मन हमारे उपकरण जो हैं, वो उपकरण यदि चल रहे हैं तो कोई ना कोई तो चला रहा है। हमने कई बार हॉरर कॉमेडी देखी है, हॉरर कॉमेडी, वो जाता है रसोई में आवाज़ें सुनाई देती हैं, अंदर जाके देखता है रसोई बन रही है अपने आप, वो कड़ची हिल रही है बर्तन के अंदर, फिर अचानक से उधर से पानी उठता है अंदर आ, कैसे हो रहा है ये, क्या हो रहा है?
पूर्व प्रश्न से डरने की जरूरत नहीं है, ये जानना है कि सारे जो जड़ पदार्थ है वो काम कर रहे हैं, तो कोई चैतन्य है उधर जो काम कर रहा है ये सब, वो कौन है मुझे नहीं दिख रहा पर है तो सही कोई, उसको ढूंढना है, ये प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न हमें भयभीत करते हैं इसीलिए सोचना बंद कर देते हैं, कई बार हम थक जाते हैं, अरे क्या कौन सोचेगा, कोई भी नहीं सोचता, आज तक तो हमने सोचा नहीं, जीवन में कुछ फर्क पड़ा नहीं, तो अब और क्यों सोचना है। गुरुजी बढ़िया बताते हैं कि हम बिना खाए कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, बिना पानी वगैरह पिए कुछ घंटों तक रहा जा सकता है, बिना श्वास लिए कुछ सेकंड तक या बहुत ज़्यादा हो तो मिनट तक रहा जा सकता है जीवित, पर बिना विचार किए जन्म जन्मांतर बीत गए आज तक सीखा नहीं। विचार हो रहे हैं पर क्या हम कर रहे हैं, ये दो बहुत भिन्न बातें हैं, कि विचार हो तो रहे हैं तो ये विचार का ही फल है कि ऐसा प्रश्न उठा शिष्य के मन में, और यहाँ वही उसी चैतन्य को जिसकी वजह से सारे इंद्रिय अपने क्षेत्रों में कार्यरत हैं उसको ही यहाँ शंभु है ऐसा पहचानने को कहा। अब उत्तर में वो गुरु ने क्या बताया उसको भी बड़े सुंदर शब्दों में यहाँ स्वामी तपोवन जी महाराज ने प्रस्तुत किया है। क्या बताते हैं, देखिए 14वां श्लोक। श्रोत्रादेरपियं देवं श्रोत्रादिमनुदृश्यहि महान्तो यान्ति निर्वाणम् तस्मै श्री शंभवे नमः। महान्तः, महान उसका बहुवचन है महान्तः, तो ये महान लोग, अब महान किसको कहते हैं, भगवान शंकराचार्य जी महान शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं जिसकी छोटी बुद्धि नहीं है वो महान है, महान यानी जिसकी व्यापक बुद्धि है, व्यापक विचार है, जिसके विचार में सभी कुछ समाया हुआ है, छोटे छोटा विचार नहीं करता है। द वन हु थिंक्स बिग इज कॉल्ड अ ग्रेट पर्सन। तो महानतः ऐसे महान लोग जिनके व्यापक विचार हैं, उच्च श्रेष्ठ उत्तम विचार हैं, ये लोग अनुदृश्य जब इस चीज को देख लेते हैं तो क्या होता है, निर्वाणम यान्ति, उनको निर्वाण मिल जाता है, यानी मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है, दुख से छूट जाते हैं हमेशा के लिए।